नारायण ने मुझे ये तो नहीं बताया कि उनका उपाय क्या है, परंतु आश्वस्त अवश्य किया है कि उनके इस उपाय से केवल देवताओं की ही नहीं परंतु समस्त संसार की सहायता होगी, अखिल विश्व का कल्याण होगा, क्योंकि उनके इस उपाय के कारण ही श्री सृष्टि में लौट पाएंगे। अर्थात आपके कहने का अर्थ यह है कि माता लक्ष्मी और प्रभु विष्णु का विरह समाप्त होने वाला है, तो फिर से एक होने वाले हैं। ये तो बहुत ही शुभ समाचार है अदिति माँ, हमें शीघ्र ही विष्णु लोक की ओर प्रस्थान करना चाहिए। शीघ्रता में किया हुआ कार्य हानिकारक भी हो सकता है गरुड़, पहले से ही असुर हमें चारों ओर खोज रहे हैं, और अब तो दीति माँ और राहु को भी पता चल गया है कि माँ की तपस्या पूरी हो गई है। रही बात प्रभु विष्णु की ओर प्रस्थान करने की, तो प्रभु विष्णु ने स्वयं हमें अपने लोक में आने का आदेश दिया है, और यदि असुरों ने हमें ढूंढ लिया और हमारे ऊपर आक्रमण कर दिया तो हम चाहे भी तो उनका सामना नहीं कर सकते। यदि हम उनको मार भी दें तो वो तो राक्षस हैं, संजीवनी विद्या से वो फिर से जीवित हो जाएंगे, और फिर हमारा क्या होगा? वही जो नारायण चाहेंगे। और वैसे भी जब वो हमारे साथ है तो हमें किस बात की चिंता। सही कह रहा है गरुड़, तुम सब एक काम करो, तुम सब इसी क्षण नारायण के पास जाओ और गरुड़ को भी अपने साथ लेकर जाओ। पूरी असुर सेना का सामना किया है इसने, कुछ तो विशेष है इसमें। हो सकता है कि इसका साथ तुम सब में फिर से साहस का संचार कर दे। जो आज्ञा मां। आशीर्वाद दीजिए दीदी। गति तुम्हारी शक्ति है, हृदय में साहस है, आत्मा अच्छाई की प्रतीक है, और तुम्हारे पंखों में है आशा, समस्त संसार की आशा। एक माँ का आशीर्वाद है, नारायण की प्रेरणा से अपनी माँ के गर्व का कारण बनो तुम, प्रभु विष्णु का वाहन बनो तुम। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.